खबर है यूपी के कानपुर से, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को कल्याणपुर विधानसभा वार्ड 17 की बसपा पार्षद रमा देवी पटेल के पप्पल पटेल ने अपने आदमियों के जरिए अपहरण कराने की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने दबंगों को खदेड़ा। आपको बताते चले कि जब कक्षा 7 में पढ़ने वाली किशोरी अपनी कोचिंग से घर वापस जा रही थी कि तभी रास्ते में पुलिया के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकती है। उसी स्कॉर्पियो से 3 युवक जिनके नाम सचिन पटेल उर्फ डागा, पीयूष पटेल व प्रिंस पटेल नाम के 3 युवक गाड़ी से उतरकर जबरन नाबालिग छात्रा को अपने स्कॉर्पियो में पीटने का प्रयास करते रहे कि तभी छात्रा के शोर मचाने पर राहगीरों ने बदमाशों को दौड़ा लिया। पब्लिक को देखकर बदमाश उस नाबालिग छात्रा को छोड़कर भाग जाते हैं। छात्रा ने अपनी सूझबूझ से भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और घर आकर अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में छात्रा की मां ने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर घटना को बयान किया। बताया यह जा रहा है कि चौकी पर मौजूद दरोगा व पार्षद पुत्र पप्पल पटेल ने पहले तो पीड़िता की मां से मामले का कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया। जब पीड़िता की मां ने उच्च अधिकारियों तक जाने की धमकी दी तो चौकी पर मौजूद दरोगा ने पीड़िता से प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत तो कर लिया, पर पार्षद पुत्र पप्पल पटेल के कहने पर चौकी के दरोगा ने पीड़िता के दिए हुए प्रार्थना पत्र को ही बदल दिया। इसके अलावा पीड़िता की मां के पास धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। पीड़िता ने पार्षद पुत्र पर आरोप लगाते हुए बताया कि पप्पल पटेल फोन पर मुकदमा वापस लेने का बराबर दबाव बना रहे हैं और मुकदमा वापस ना लेने पर पीड़िता व उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहे हैं। पीड़िता की मां ने बताया कि थाने चौकी के साथ साथ उच्च अधिकारियों के भी चक्कर लगा रही हैं, परंतु अभी तक दबंग पार्षद पुत्र पप्पल पटेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह है कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते वहाँ पर पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा या करने लगे। इसके बाद मेरे छोटे नाखून मार दी, फिर इसके बाद मेरे नाखून लग गए तो चोट लग गई मेरे। फिर तुम दौड़ के घर आ गई? हाँ, मैं दौड़कर घर पर आई मम्मी के पास और मुझे गाली दी थी, साली चमारिन कहाँ जा रही है। फिर इसके बाद मुझे जबरन बैठा लेते थे। मैम क्या नाम है आपका? रानी। रानी क्या हुआ था आपकी बेटी साथ? मेरी बेटी घर से 3 बजे गई थी कोचिंग। किस डेट में? ये गई थी 11 तारीख को 3 बजे गई है, 4 बजे कोचिंग पढ़ के घर आ रही थी। फिर नीले कलर काली कलर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई पुलिया पे, वो वहाँ रुकी, बच्ची को रोका तो बच्ची कहने लगे चल बैठ यहाँ पे, नहीं बैठी तो उसको घसीटने लगे। वहाँ पे जितने सब्जी वाले थे सब दौड़ दौड़ के, जब दौड़े तो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके लोग भागे हैं। 3 लोगों को मेरी बच्ची पहचान गई, 1 लोगों को नहीं पहचानी है। फिर दौड़ के आई मुझसे बताया, फिर मैं गई चौकी नौशीलदाम, वहाँ पे एक FIR दी तो वहाँ मिले थे हमको संजय कन्नौजिया मिले थे, जो थे चौकी इंचार्ज दूसरे, ये चंदेल आए हैं बाद में, तो इनको मिली FIR। ये लेके कहते हैं तुम लोग जाओ घर, दे दिया मैं FIR, अब हम देखेंगे सालों को। चंदेल कौन है? चंदेल चौकी इंचार्ज है नवस्था का। तो फिर हम लोग घर आ गए, फिर हमको जब धमकी मिली तो मैं फिर थाने गई, फिर मुझे वहाँ मिली इंदु यादव, तो इंदु यादव को फ़ोन आ गया था उर्फ सचिन डागा की अम्मा का कि ये महिला आ रही है, इसकी कोई सुनवाई ना करना, इसको वो कर देना कि मतलब यहीं से ये लौट जाए। तो इंदु यादव कौन है? इंदु यादव चौकी इंचार्ज थी पहले यहाँ नौशील धाम की, अब वो बैठने लगी यूनिवर्सिटी में। तो इंस्पेक्टर साहब ने उसको कहा था कि जाओ इनके मुकदमा लिखो जाएगा, तो उसने दबाव डलवा के ऐसा मुकदमा लिखवाया कि मतलब हम कहीं आगे बढ़ ना सके। उनकी थी बहुत घनेरू दोस्ती, तो वो दोस्ती निभाती रही। तो मैंने यही कहा कि आपको ऐसा मैम क्यों करना था कि जब मेरी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई तो आपने ये क्यों नहीं लिखाया, आपने ये कैसे कह दिया कि चलो हम तुम्हें घर छोड़ दें, हमने तो आपको पूरी बात बताई थी। तो इंदु यादव कहती हैं कि जाओ जो करना है वो कर लो, हम तो जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। मैं वहाँ से चुपचाप फिर मैं चली आई घर, फिर मैं गई CO ऑफिस में, तो वहाँ पे भी गई तो वहाँ पे बोले कि आपको जाओ मुकदमे की फ़ोटो कापी मिलेगी। फिर मैं गई 12 तारीख को, मुझे रात में 10 बजे यहाँ जब दबीज डालने आए तो हमसे कहते चलो थाने मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा शाम को 4 बजे लिख गया, मुझे 10 बजे रात में बुलाया, मैं 2 बजे तक बैठी रही, बोली चलो बिटिया की मेडिकल करवा दे, तो मेडिकल करवाने गए तो वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं मिली तो वापस आ गए। फिर मुझको फ़ोटो कापी दी है 13 तारीख को, जब उसमें देखा कि उसमें एकई का नाम है डागा कई उसका नाम है, निकाल दिया सबको, गाड़ी निकाल दी स्कॉर्पियो और उसको सचिन पटेल का नाम निकाल वही रखा केवल, और बाकी इसको कन्नौजिया के लड़के को निकाल दिया प्रिंस को, और एक लड़का का नाम था उसका तो हमें मालूम नहीं है, ये बच्ची जानती है।
और हम तो नहीं ज़्यादा जानते, जब बिटिया ने बताया वही फिर हम उनके घर भी गए तो कोई सुनवाई नहीं, हम दौड़े दौड़े परेशान है भैया, हमारी बच्ची के लिए बिल्कुल हमें इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आज हम नहीं खड़े होंगे कोई और माँ सही रोएगी मेरी तरह, बता बच्चियों कैसे पढ़ाए लिखाए हम। क्या किसी तरफ से आपको कोई धमकियां भी मिल रही? हाँ, सभासद दे रहे हैं। कौन सभासद है? पप्पल, पप्पल पटेल। हाँ, पप्पल पटेल हैं, यही ज़्यादा धमकियां दे रहे हैं। ये चंदेल है, ये कह रहे हैं अगर तुम नहीं करोगे तो बच्चों को फंसा देंगे, रोड पे मेरा लड़का ऑटो चलाता है उसमें धमकी देते हैं, और खूब पार्षद ने रुपया खाया है इसीलिए गाड़ी निकाल दी है, प्रिंस पटेल को भी निकाल दिया है, संजय कन्नौजिया के लड़के को गाड़ी भी निकाल दी है। तो ये पार्षद है पप्पल पटेल, ये किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं? ये धमकियां इसलिए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा लगा दोगी, ये उन्हीं के गुंडे हैं पले हुए पार्षद के ही। हाँ, ये सब उन्हीं के गुंडे, जितनी चोरी चमारियां होती हैं गांव में सबको दबा लेते हैं, कोई मुकदमा तो दायर करता नहीं, इनसे दबा हुआ इंसान है इसलिए इनसे कोई नहीं ज्यादा वो करता है, पप्पल पटेल सबसे ज्यादा खतरनाक मुलजिम यही है। चंदेल जो है क्या कर रहे हैं आपके? चंदेल तो मेरे फेवर में कुछ नहीं, जो वही कहता है सभासद उसी के कहने पे चलते हैं, अगर ये इतने दिन हो गए घटना के अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई करी है? कोई कार्रवाई नहीं करी है, खा के बैठे रुपए उस तरफ से। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो पार्षद है पप्पल पटेल और चौकी इंचार्ज चंदेल, इनकी मिली भगत चाहिए? हाँ, दोनों मिली भगत है दोनों की, अगर पार्षद के ही वहाँ आते हैं पैसा वहीं से चौकी इंचार्ज खा के जाता है लेके, वहीं बुलाते हैं पैसे के लिए कि यहाँ पैसे दो यहीं से खा पी के यहीं से निकलो, जो केस होता है यही दबवा देता है पार्षद, यहीं से ले दे के ख़त्म कर देता है, आगे किसी को बढ़ने नहीं देता है, दबाव डालता है बहुत बुला के, हमको कार्यालय में बुला रहा था, हम कार्यालय गए नहीं है सभासद के, बुलाया इसने। पार्षद का फोन आया आपके पास एक बार? फोन नहीं, फोन नंबर हमने दिया ही नहीं अपना, लोगों से कहा कि कह दो बात कर ले मेरे कार्यालय में, आज हम गए नहीं है कोई दिन कार्यालय में, क्योंकि हम जानते हैं दोगला है, इसके पास जाने से क्या फ़ायदा है, जाए उस इंसान के पास जिसके पास इंसाफ मिले, हमारी बच्ची के साथ हुआ है तो हम जान रहे हैं, उसकी बच्ची के साथ तो हुआ नहीं पार्षद के, तो वो क्या जानेगा। क्या कहना था पार्षद का, क्या कहना था आपसे? पार्षद का ये कहना था कि मेरे पास आती उससे हमसे बताती तो मैं बीच जूते मार देती उसके, हमसे तुम कोई बात नहीं, बीच जूते मार के ऐसे केस रफा दफा वो कर देता, ऐसे ही लड़कियों के साथ हुआ है, अभी पंडित के लड़कों ने छेड़ा था मुसलमान की लड़की को, तो वहीं पार्षद ने बुला के और वहीं सुलानामा करा के रुपए खा के बैठ गया, वो लड़की थी ठीक ठाक, वो बेचारी बोल नहीं पाई, उसके माँ बाप कमज़ोर थे, तो ये करता है पार्षद, हम उनमें से तो नहीं है, हम अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए जहाँ जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगी, मैं लड़ूंगी, इन मुलजिमों को तो हमें सजा करवाने करवाने हैं, इनको हम किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तब आप लोग? तो मैं ऊपर तक जाऊंगी जहां तक हो सकेगा, चाहे मेरे पास खाने को ना हो लेकिन मैं अपनी बिटिया के पैर भी में दौड़ जाऊंगी, मैं लगाऊंगी, मैं चाहे कर्जा लेके लगाऊं, इंसाफ के लिए मैं लड़ जाऊंगी हर किसी से, अगर मेरी बच्ची गलत होती तो मैं कदम हटा लेती, मेरी बच्ची अगर सही है उसको जीने का अधिकार है, ये कुत्तों की वजह से मैं अपनी बच्ची को बैठा ले सकती, मैं पढ़ाना लिखाना भी नहीं हटा सकती हूँ, बच्ची अगर जो चाहेगी वही करेगी, जो पढ़ेगी लिखेगी अपने पैरों पे खड़ी होएगी, इन जैसे गुंडों की वजह से हम अपनी बच्ची बैठा रखेंगे, इन गुंडों को ना साले को मार के हटाओ यहाँ से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।